फूल देखी अति फूल अपराजिता फूल तो नहीं देखी हम। अरे वो भी बहुत गुणकारी कारी चीज है के। अच्छा समझ जाते बुलू टी का नाम से पिया ना, जितना भी बुलू चीज है ना, जामुन है गलाक, मरुआ हो गलाक, गुंदली हो गलाक, जय हो गलाक, इस सब में बहुत गुणकारी चीज है, लेकिन हम इन्हें फैशन में चल जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज जा रहे हैं हम कृषि मेला देखने के लिए, जो कि हजारीबाग में लगा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक आगे में, हजारीबाग टू बड़कागांव रोड में। बेसिकली ये जागरूकता फैलाने से रिलेटेड है, क्योंकि कृषि आज लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृषि। इसलिए जानते हैं इसकी क्या खासियत है और क्यों कृषि मेला लगाया जाता है उसके बारे में, और क्या क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे हम मेला में जा करके आपको। तो चलिए आज मेला का मजा लेते हैं, वो भी कृषि से रिलेटेड में। तो कृषि मेला देखने के लिए निकल चुके हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास पहुंच चुके हैं, और इसी के ठीक आगे में कृषि फार्म है, जिसको आत्मा हजारीबाग बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे ही कृषि मेला लगाया गया है और इसी गेट से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये कृषि मेला जो है वो जिला स्तरीय लगाया जा रहा है हजारीबाग में। तो यहाँ पर जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र से किसान हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने खेतों से उपजाए हुए अनाज मतलब सब्जियों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया जाता है, और जो विशेषज्ञ और ये देखते हैं कि कौन जैविक खाद का उपयोग करके अनाज को उगाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत कुछ सरकार के द्वारा सुविधाएं दिए जा रहे हैं, उसी के बारे में बताया भी जा रहा है, और किस तरीके से खेती करना है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे दिखाएंगे आपको कितने सारे गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं मिल रहे हैं कृषि करने के लिए, कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बिना खाद वगैरह का यूज किए हुए एक अच्छे तरीके से कृषि होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टॉल में चलते हैं, यहाँ पे बीजों के बारे में बताया जा रहा है सरकार के द्वारा क्या मिलता है, और सामने देखिए कुछ मशीन है पानी पटाने के लिए। उसके बाद सामने देखिए कृषि पालन के लिए, पशुपालन के लिए, जो कि बड़कागांव में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है ताकि कृषि को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। देखिए यहाँ पे आपको सभी कुछ ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है, बीज वगैरह दिख रहा होगा आपको, काउ सेट्स दिख रहे होंगे, मतलब सब ये हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में इस तरीके का बनाया जा रहा है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। तो टाइम टू टाइम कृषि मेला लगाया जाता है, इसमें क्या है कि किसानों को और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सुविधाएँ मिल रहा है कृषि करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे आप कुछ मशीनों को भी वितरण किया जाता है, कुछ ट्रैक्टर भी आपको सामने दिखेंगे, ये जो है कुछ सब्सिडियों के द्वारा किसानों को प्रोवाइड किया जाता है। और जो कृषि मेला है वो यहाँ पे एक प्रोग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जितना गोरा रहे ना ने, उतना एंटीबायोटिक क्षमता कम रहेला। अच्छा ऐसा बात है, तो क्या सोचा थी, जितना भी है जेने अति फूल देखी अति फूल अपराजिता फूल तो नहीं देखी हम। अरे वो भी बहुत गुणकारी कारी चीज है के। अच्छा समझ जाते बुलू टी का नाम से पिया ना, जितना भी बुलू चीज है ना, जामुन है गलाक, मरुआ हो गलाक, गुंदली हो गलाक, जय हो गलाक, इस सब में बहुत गुणकारी चीज है, लेकिन हम इन्हें फैशन में चल जाएगा और उनके खावे नहीं करेला, तो बताओ क्या लाभ है भी? भैया बहुत बढ़िया लाभ मिले। अरे आओ ने बैठ के खाए के देखो ने, लाल लाल देख साहब आया, साहब आया, देख खाए के देखो, बैठो खाए के देखो। चलिए अब आपको दिखाते हैं, एक साइड में जिधर प्रदर्शन लगा हुआ है फल फ्रूट उसके बाद सब्जी वगैरह, यहाँ पे कृषि मेला में लाया गया है वो देखने आपको मिलेंगे। तो इस साइड में आपने देखा कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में, अब इधर चलते हैं, इधर जो प्रदर्शन लगाया गया है वो देखते हैं। आलू दिखेंगे आपको, देखिए सफ़ेद आलू अलग अलग, और जो येल्लो येल्लो आपको दिख रहा है वो स्टिकर, वो जिसका भी होगा उसका नाम लिखा गया है ताकि ये पहचान सके, क्योंकि जो विशेषज्ञ है वो चेक करेंगे कि इनका जो सब्जी है वो बेहतर तरीके से उगाया हुआ है जैविक खाद यूज करके। देखिए सामने आपको बैंगन दिख रहे होंगे, टमाटर दिख रहे होंगे, ये हरा भरा एकदम ताज़ा सब्जियां हैं जो किसानों ने लेकर के आया है, और मूली देखिए कितना मोटा मोटा बैठा हुआ है सो। अब देखिए पत्ता गोभी और फूल गोभी देखिए कितना बड़ा बड़ा बैठा हुआ है सो, मुझे लगता है कि पत्ता गोभी जो है कम से कम 1.5 kg से 2 kg प्लस ही होगा, और फूल गोभी भी सेम उतना ही बड़ा दिख रहा है। तो आगे आप धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हुए चलते हैं ताज़े ताज़े सब्जियां जो किसानों के द्वारा इस प्रदर्शन रूम में रखा हुआ है सो। देखिए कोहड़ा दिख रहा होगा आपको, सेब दिख रहा होगा, फिर कद्दू दिख रहा होगा, शलगम दिख रहा होगा, गोभी दिख रहा होगा, मशरूम दिख रहा होगा, अमरूद दिख रहा होगा, पपीता दिख रहा होगा, जो कि ताज़े ताज़े सभी सब्जियाँ यहाँ पर लाई गई है आज ही कृषि मेला लगा है। तो और देखिए नींबू भी दिख रहा है, कटहल भी दिख रहा है, केला भी दिख रहा है, यहाँ पे कलरफुल एकदम पूरा प्रदर्शनी रो दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा शौक तो मैं तब हो गया जब मक्का ही देखा,
तो यहाँ पे जितने सारे सब्जियाँ आपने देखे हैं वो सभी जैविक खाद से उगाए हुए हैं। और साथ में देखिए चना का भी टाइम आ चुका है, चना भी आपको दिख रहा होगा हरा भरा। और ये देखिए सामने सरसों दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पशुओं का भी प्रदर्शन लगा हुआ है। तो और भी ज़्यादा कृषि से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो अपने क्षेत्र के ब्लॉक में जाएं और ब्लॉक में जा कर के इन सभी का फुल डिटेल में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है। सारे पोषक तत्वों का उपयोग करना है, इसको आपको कैसे पता चलेगा? जो मेन जो कृषि मेला जो लगाया गया है उसका यही बेनिफिट है कि जो बड़े इंजीनियर जो है कृषि के विशेषज्ञ हैं वो आकर के आपके जितने सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो सब यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं अपने साग सब्जियों को, और वो चेक करेंगे कि जैविक खाद से कितने अच्छे तरीके से ये उपजा सकते हैं उसके बारे में। तो बहुत सारी जानकारियाँ और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृषि। इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।